नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। थाना पिसावा क्षेत्र के नगला बिजना में भाजपा नेता के भतीजे को कार सवार हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। इस बीच हमलावर फायरिंग करते हुए भाग जाने में सफल रहे। परिजनों ने जट्टारी के पूर्व चेयरमैन सहित 6 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुटी है। पिसावा क्षेत्र के गांव दमुआका निवासी भाजपा नेता अधिवक्ता दिनेश चौधरी और चौधरी वीरपाल सिंह का 28 वर्षीय बेटा सचिन चौधरी LLB का छात्र होने के साथ ही गांव के राशन डीलर भी था। सोमवार को सचिन चौधरी गांव से कुछ दूर स्थित नगलिया बिजना के पुल के पास खाद बीज की दुकान पर बैठा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम करीब 7 बजे कार में सवार 5 बदमाश नीचे उतरे। बदमाशों ने उतरते ही हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। सचिन ने खुद को बचाने के लिए दुकान से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ लगा दी। इसी बीच वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा तो हमलावरों ने सचिन को घेर लिया और उसको निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक सचिन की मौत हो गई। वहीं हमलावर सचिन की मौत होने की संतुष्टि पर ही फायरिंग बंद की। इस बीच हमलावरों के कड़े तेवर के चलते किसी ने भी उसका विरोध करने की जहमत नहीं उठाई। हमलावर कई राउंड हवाई फायरिंग करते हुए कार में सवार होकर सुरक्षित फरार हो गए। हमलावरों के जाने के बाद ही ग्रामीण सचिन चौधरी तक जाने की हिम्मत जुटा सके। फिर घायल सचिन को जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि पूर्व चेयरमैन मानवीर चौधरी पर रंजिशन हत्या कराने का आरोप लगाया है। SSP मुनिराज जी ने बताया सचिन हत्याकांड में जट्टारी के पूर्व चेयरमैन सहित 6 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच शुरू की है। मृतक सचिन के विरुद्ध पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं। मृतक और जट्टारी के पूर्व चेयरमैन के बीच पूर्व रंजिश की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर कार सवार हमलावरों की तलाश में जुटी है। कल शाम को पुलिस को सूचना मिला है थाना पिसावा का अंतर्गत एक गांव बिजनिया गांव में बाजार में शाम को लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में एक आदमी का हत्या हुआ, इस तरह सूचना मिला है। गोली चल रहा वहाँ पर और तुरंत पुलिस मौके पर गया था। वहाँ पता चला है थाना पिसावा का दमुका गांव का व्यक्ति है नाम उनका उम्र सचिन उनका नाम सचिन है। वो शाम को वहाँ बिजनिया गांव में बाजार पर बैठा था। वहाँ पे कुछ अज्ञात लोग आया और उसके बाद उनके ऊपर गोली चलना शुरू हुआ और वहाँ उससे गोली चलने के बाद दौड़ के भागा था। उसके बाद उनके 11 करके उनको कई रोड गोली चली और उसके बाद तुरंत वहाँ से उनका परिवारजन लोग तुरंत पुलिस ले गया था और वहाँ से हायर सेंटर रेफर हुआ था। हायर सेंटर में डॉक्टर साहब ने ये बताया था वहाँ पर ब्लड टेस्ट घोषित किया है और उसके बाद हमने छानबीन किया और वहाँ पर CCTV कैमरा वगैरह की मीटर करके और उनका परिवार जन ने FIR दर्ज किया है। कितने लोगों के खिलाफ बोली है सर? उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया है और 2 लोग अज्ञात नामजद FIR। सर इसमें मनवीर सिंह का भी नाम आ रहा है? हाँ, उनका नाम उन्होंने परिवारजन ने दिया, उनका कोई पुराना दुश्मनी के हम लोग कह रहा है। और जो मृतक है उनके ऊपर भी 8 मुकदमा लड़ी है और इन्होंने जो नामजद किया है उस पर दोनों के पर तरफ से इधर उधर दोनों तरफ से कई बार मुकदमाबाजी हुआ है। इसी के लेके कुछ रंजिश हम लोग कर जो मृतक का परिवारजन है, फिर भी पुलिस अपना टीम गठित करके CO कैर का नेतृत्व में गठित करके सही तरह की जाँच करके सभी मुलजिमों की गिरफ्तारी करेंगे और सच्चाई का पता